अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज की मेरी तैयारी है अम्मी के घर जाने की। काफ़ी दिन हुए हैं मैं गई नहीं हूँ, और आज सुबह सुबह उठी और सारा काम अभी मैंने तकरीबन 9:30 बजे तक ख़त्म कर लिया है। 10 होने वाले हैं, मैं टाइम आपको दिखाती हूँ। अच्छा लाइट, ये बस 9:45 हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं 3 बजे वहाँ से निकलूँगी और 4 बजे यहाँ वापस पहुँचूँगी। तो आज मैंने जॉगर्स पहने हुए हैं ताकि मैं स्पीड में जाऊँ और स्पीड में वापस आऊँ। सो लेट्स गो। सालन रखा हुआ है, अगर वो कद्दू ना खाए ना तो आलू का मसाला भी रखा हुआ है। वो खबर है कहीं मिटू। तो लीजिए मैं अम्मी के घर पहुंच गई और मिटू से भी आपकी मुलाकात करा ली है, और अभी जो है ना हम खाना खाने लगे हैं। खाने में माशाल्लाह से काफ़ी सारे आइटम हैं, क्योंकि अम्मी के घर के पास मेरी फूफो है, मेरी बहन है, मेरी जो फूफो की बेटियां हैं उनके घर है, यानी कि 5-6 घर आसपास ही हैं। तो जब मैं जाती हूँ तो जिनको पता चलता है वो आते हैं मुझे मिलने के लिए, और जाहिर सी बात है जिसने कोई अच्छी चीज़ बनाई होती है ना तो वो उठा के ले आते हैं कि चलो मिल के खा लेंगे। तो गपशप रहती है, माशाल्लाह से बड़ी रौनक रहती है, तो इसलिए मैं ज़रा मुतमईन भी होती हूँ। एक बहन तो मेरी मतलब अनमेरिड है, अम्मी के साथ ही होती हैं, घर में ही हैं, और मेरी एक बहन जो है वो बिल्कुल अम्मी के पास ही रहती हैं, आमने सामने, यानी वो तो पप्पो के घर में उनकी शादी हुई है ना, तो पप्पो के घर में सामने ही है ये जो बैठ रही है, तरफ बैठी है वो मेरी, यानी दाएं बाएं एक तरफ मेरी अम्मी है और एक तरफ मेरी पप्पो है। तो जब मैं जाती हूँ तो दोनों के पास ही काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो टाइम मिलता नहीं है, वरना मेरा तो बस चले तो मैं रोज़ ही चली जाऊँ उनसे मिलने के लिए। लेकिन आपने देखा ना कि एक घंटा लगता है तकरीबन मुझे जाने में भी और आने में भी, तो वो 2 घंटे का सफर है जाने आने का। और माशाल्लाह से पूरा दस्तरखान सज गया, मैंने बिरयानी बनाई थी, पप्पो ने कोरमा बनाया था, वो कोरमा साथ लेके आई थी, और यहाँ चिप्स भी बने थे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी मेरी बहन आई थी हॉस्पिटल से, वो जॉब करती हैं तो बच्चे अम्मी के पास ही होते हैं, तो इसलिए उनके लिए पहले से फ्रेंच फ्राइज जो बने थे वो भी थे, दही भी थी, और अम्मी ने साथ पकौड़े भी ऐड कर लिए थे एडिशन के तौर पर। और बाजार से जो है ना इन्होंने कुलचे मंगवाए थे, क्योंकि इनको भी कुलचे पसंद है, फिर मैं भी जो है ना खा लेती हूँ। मैं यहाँ पर डाइट वाइट का ज़्यादा ख्याल नहीं रखती, क्योंकि मैं कहती हूँ ये लोग इतना प्यार से करती है सारा कुछ, तो फिर एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह से दस्तरखान सज गया है, और अल्लाह करे ऐसे ही रौनक रहे, ऐसे ही इतफाक रहे इनमें, और मैं जो है ना मुतमईन रहूं, क्योंकि जाहिर सी बात है उम्र के साथ फिर अम्मियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, फिर वो उतना नहीं मतलब अपना ख्याल रख पाती हैं, तो जब आसपास सारे लोग मौजूद होते हैं ना तो फिर वो उनका दिल बहला रहता है। अम्मी का ज़्यादा मुझे इसलिए रहता है अम्मी की फ़िक्र, क्योंकि अबू ना होना तो फिर ज़्यादा फिक्र होती है, अबू हो तो फिर इतनी फिक्र नहीं होती है। तो ये देख सकते हैं कि मैं जो है ना बस में गई थी और मैं बस में ही वापस आई हूँ, क्योंकि मेट्रो बस का टाइम नहीं था जिस टाइम मैं निकली थी, तो उस टाइम पे वो निकल चुकी थी। दूसरी का मैं वेट नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि जितना भी टाइम है वो मुझे मिले, फ़ौरन पहुँचूँ, और वहाँ पे जितना भी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, थोड़ा सा इसलिए कह रही हूँ कि यानी 10 बजे निकली तो मैं 11 बजे वहाँ पहुँची थी, और 11 बजे के बाद वहाँ से मैंने निकलना था तकरीबन 2 बजे तो निकलना ही था, 2 फिर मैं 3 बजे निकली हूँ, क्योंकि इतने दिनों बाद बंदा जाए बातें ही नहीं ख़त्म होती, और फिर इसलिए मुझे वहाँ पे शूट करने का भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि बंदे का दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, बनिस्बत इसके कि मैं कोई शूटिंग करूँ। तो फिर जैसे ही वापस आई तो सैफुल्ला ने बड़ी ज़िद करी कि नहीं नहीं हलवा बनाना है, हालाँकि ये सारा प्लान उनके बाबा का था, उनका ही दिल कर रहा था। तो फिर मैंने कहा बनाना तो है ही, लाई ही इनके लिए हूँ, लेकिन अभी अभी थकी हुई थी तो मेरा दिल नहीं था कि मैं आज ही के आज बनाऊँ, लेकिन उन्होंने उनका दिल था कि नहीं आज ही के आज हमने खाना है, तो फिर बनाना पड़ा। तो ये अभी मैं इसको काटने लगी हूँ और फिर मैं इसको फटाफट से बनाती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे भी नेचुरली थोड़ा मिठास रखता है, तो इसमें तो ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, और चीनी भी मैं इसमें पहले से ही डाल दूँ कि थोड़ी देर रख लूँगी ताकि ये पानी इसका छूट जाए, चीनी के साथ ये पानी छोड़ देगा। तकरीबन 3 टेबल स्पून हो गए हैं, और 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना इसके लिए चीनी इनफ है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चले मैं 1-2 चम्मच और डाल देती हूँ, ज़रा मीठा हलवा खा लेंगे। ये 4 हो गए मेरा ख्याल है, और ये हलवा तो बहुत ही मीठा होता है, लोग तो बहुत भर भर के डालते हैं, मैंने 5 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है। ये 1.5 किलो का पम्पकिन है,
और इसमें अपनी भी मिठास होगी और बस इसमें 5 टेबल स्पून चीनी काफ़ी है, क्योंकि मेरे पास कोई आज वो नहीं है किशमिश वगैरह या फिर खजूरें, तो इसलिए मैंने चीनी 2 टेबल स्पून ज़्यादा कर ली। अदरवाइज़ अगर वो चीज़ें होती हैं ना तो वो भी मिठास उसकी भी ऐड हो जाती है, तो फिर इतनी ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब मैं चीज़ें बनाऊँगी जिन जिन चीज़ों में मैं चीनी का अल्टरनेट करूँगी या कम से कम चीनी इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगी तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये वही चीज़ है, क्योंकि अगर मैं सूजी का या और किसी चीज़ का बेसन का हलवा बनाती तो उसमें थोड़ी चीनी की एडिशन ज़्यादा होती है, लेकिन उसका भी मैं खैर अल्टरनेट कर लेती हूँ। लेकिन इस तरह के जो हलवा जात होते हैं, एप्पल का भी लोग बनाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो उसमें तो बहुत कम चीनी की ज़रूरत होती है। खैर ये भी मीठा होता है तो इसमें भी कम चीनी की ज़रूरत होती है। गाजर का होता है तो वो भी, क्योंकि ये हेल्दी डिज़र्ट है। तो चलें फिर इसको मैं थोड़ी देर रखती हूँ, उसके बाद इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी और हल्की आंच पे छोड़ूंगी ताकि ये अपना ही पानी छोड़े और उसी में नरम हो जाए और इसमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। बटर और इलायची तो अब इस हलवे ने कढ़ाई की साइडें छोड़ना शुरू कर दी हैं और अब ये तकरीबन डन होने पर आया है, बल्कि डन हो चुका है। इसके ऊपर अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी। इसमें मैंने बटर डाल दिया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो इसमें से जो है ना ऐसे निकल के रसने लगेगा, वो नहीं होगा। बस ये है कि इसमें लेवल बराबर है और जल नहीं रहा, नीचे लग नहीं रहा, और ये साइडें कढ़ाई के इसने छोड़ना स्टार्ट कर ली हैं। वाह बादाम, बस पीसना है, बहुत ही कुछ थोड़ा सा रह जाता है। चले इसके लिए चाय बन रही है। तो ये हो गया तैयार हमारा हलवा विद चाय। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, इतना टेस्टी। कितना कैसा है अब्दुल्ला भाई? देखो ये बाबा भी खराब नहीं, बाबा ने जब इसे अच्छे से जान बनाई है। सैफुल्ला कैसा है? ओ भाई मजाक हो रहे। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।